दोस्तों, जरूरी नहीं होता कि हर बार जो कहानियों में सुना जाए वो गलत हो। और आज के इस वीडियो में हम आपको प्राचीन समय के दो सबसे बड़े और ताकतवर हाथी मैमथ और मास्टोडॉन के बारे में बताएंगे, जो कभी हमारी धरती पर राज किया करते थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों साल पहले ये प्रजातियां भारत, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में पाई जाती थी, और जब हिमयुग खत्म हुआ तो उसके बाद ये खाने की तलाश में कहीं और चले गए। दोस्तों, मैमथ आज के हाथी के कंपैरिजन में काफी बड़े हुआ करते थे, और उनके शरीर में काले और भूरे रंग के लंबे बाल हुआ करते थे जो जमीन तक आ जाते थे, और उनकी खोपड़ी थोड़ी सी छोटी और ऊंची हुआ करती थी। उनके कान भी छोटे हुआ करते थे, लेकिन उनके दांतों का साइज तकरीबन 14 से 15 फीट तक होता था। दोस्तों, मैमथ और मास्टोडॉन के बारे में कहा जाता है कि इनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि इन दोनों का ही रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग था, और ये हजारों सालों तक इंसानों के साथ रहे, और कई बार तो मैमथ और मास्टोडॉन दोनों साथ में भी रहते थे। मास्टोडॉन शरीर में मैमथ से छोटे होते थे, लेकिन मास्टोडॉन के दांत बहुत बड़े होते थे और इनका सर भी मैमथ से बड़ा था। दोस्तों, इनकी 4 करोड़ साल पुरानी हड्डियां अफ्रीका में पाई गई है, और 11,000 साल पहले तक ये हमारी धरती पर रहा करते थे। और दोस्तों, उस समय के बारे में कहा जाता है जब अमेरिका के आदिवासी उत्तर की तरफ गए थे, तो उनको वहां पर ये विशाल मास्टोडॉन दिखाई दिए, तो उन्होंने भोजन के लिए उनका शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो साइज में काफी बड़े होते थे और कई लोगों का पेट भर सकते थे। दोस्तों, मैमथ के दांत चपटे हुआ करते थे, जिससे वो पत्तियों को पीस कर खाया करते थे, और मास्टोडॉन के दांत काफी नुकीले होते थे, जिससे वो टहनियां और पत्तियां दोनों चबाकर खा सकता था। दोस्तों, खोज में अब तक का सबसे छोटा बेबी मैमथ मिला है, जो तकरीबन 4,000 साल पुराना है, और वैज्ञानिकों ने उसका नाम ल्यूबा रखा है, और अपनी खोज में बताया है कि इसकी जान दलदल में गिरने के बाद दम घुटने से गई थी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।